बिना कोई भूमिका का आवाज दे रही हूं। धन्नालाल सुमन, आप जोरदार ताली बजा स्वागत करो भाई। धन्नालाल जी सुमन आ रहे जे और ताली बजाओ एक बार सुमन जी का सम्मान में। बड़ा बुजुर्ग कवि जे डॉक्टर धन्नालाल सुमन। थारो काई कहनो री गोरी काला तिलाड़ी, ये सुना रह जाए। एक मांड साहब थे, अभी वो तो अंदाजो लागी कि वो आपने चौथ व्यान कहीं पढ़ाता होगा। जब आज का मांड साहब को चरित्री प्रकार खो जाओगे तो छोरा ना तो संभाल लो देश फिर। खैर यह मांड साहब को अपनो सोच छे। देखो उम्र का हिसाब से सबका सोच बदल जाओ जी। और भाई मुकुटमणि राज बीच में या न मुंह उठायो भगवान या न उठाओ। एक बहुत अच्छी बात मैंने याद आ रही है, डीआईजी साहब, एसपी साहब और कलेक्टर साहब को एक दोरो छो, एक बढ़िया चना को खेत देखो ना, जो वहां ने गाड़ियां रोक दी और बूटा खा बला गया। अब वो रुखाड़ी कर रहे जो रुखाड़ो आयो दौड़, अरे एक खेते बेटी का बाप हो कहीं था का बाप कोई जगह यू कर कह रहा जो था तो मन की और रखो जो भाया हे बावड़ो का हो रहे थे। ये तो खजे, ये तो हाकम साहब से खजे और तू अशिया मत कह। अच्छा ओहो साहब कहे माफ करियो साहब कहे मारी गलती होगी कहे आप तो खाओ कहे। जो वो खाता रहा और उतरा सारा उपाड़ एक बात भरिया और लारुआ की गाड़ी में दर दिया कहे यहां गण ले जा जो आप छुआ छुआ कान खुआ जो कहे। लेकिन वामो से एक साहब बोलिया कह तू यह बता जब माने थारी थोड़ी सी डालियां उपाड़ रखा बला गया जिमे तू अतरो नाराज हो अतरा सारा उपाड़ से न मांगता ही भर दिया हर फेर थारो धनी तो पूछे गो तो तू कहे कह गो कहे खजूंगो भाई डाल रखा गया। अरे बात वाह 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 बिल्कुल सही बात निकाल के लाया। गांव का जो लोग बाग जे साहब यह कहते हैं गांव का लोग बगाम हम अक्कल कम लो। हम दिन माँ ज्ञापन दे गया जा कलेक्टर साहब के पास एक दाजी श्याबो बन रहे हो और वो कलेक्टर साहब के पास एक अर्जी मांडर लाया और वहां खी कहे साहब ये हमारी अर्जी से। तो साहब बोलिया कहे भाई दाई साहब असी से बाबा साहब आप कोई वकील करो कहे जो वो मने समझा देगा। जे वहां 10-5 वकील गण भी खड़ा जा जे वो दाज वहां की अड्डी हाथ कर वकीला की अड्डी खबर आ गया कहते लियो जाको। अब ये खरिया थे जो मुंह तो समझ रहे हो और मार यहां के समझ में ना रही तो वकील ये करे क्यों करू। पंडित जी प्रणाम। ये भाई मुकुटमणि राज ने मारते हैं आपका बीच में कविता बोलवा के लिए खड़ो करो जी और मैं एक ताजा कविता आपकी सेवा में निवेदन करूंगा। और यह जो कविता छे यह वर्तमान जी समय आप यहां बिराजरिया छो मैंने कोशिश करी से कहीं मत सारी हाड़ होती है अपनी आपने देखवा मलेगी देखो आप कसूरा संता खींचे खान तब सी तब करता मनमान नत उठ धरे राम को ध्यान जी पर मथुरा दीश भगवान मारी हाड़ होती। अभी हाड़ोती में कहे कहे या देखवा मलेगी आपने के लक्ष्मीनाथ गढ़ा दरमियान अरे ये तो रंगबाड़िया हनुमान भोला चोमेश्वर त्रिपुरारी अरे ई पे तप भीषण भारी के थू मारी हाड़ोती खटखड़ और कुआण जी भारी इंद्रगढ़ विजयासन महतारी रामगढ़ किसनाई पुजवाई और चौथ की सारे फरे दुहाई मारी हाड़ोती पाटन सूरज मंदिर भारी और जीने ढोके प्रजा सारी तीरथ रामेश्वर सीता बाड़ी और कपिल धारा शो की बाड़ी मारी हाड़ोती या जे हाड़ोती के गड़गच भंड देवरो देखो जे देरिया जे सदिया को लेखो। गड़गच भंड देवरो देखो जे देरिया सदिया को लेखो बूंदी कोटो झालावाड़ और 12 कोटा की दोफाड़। वाह होगी होगी बूंदी
कोटो झालावाड़ और बारह कोटा की दो फाड़, छबड़ा अठरू छिबा बड़ोद, प्यारो अकलेरो सांगोद, और यो तो बांको गड़गु गोर, जीप बोले दादर मोर, बांको नाह गड़शा आबाद, देवरी मामूनी आबाद, किशनगंज जन्म भूम छे मारी, जीप फूल डोल असवारी, और बारह भरे डोल को मेड़ो, और जीप लाख आदमी भेड़ो, तमाशो करे नान को भारी, जी में आव प्रजा सारी। अब देखो कोटा को दसवारो, यो देखो ये जो सारी रात बरसू अटी आटी माइक चाल रहा है ना, या ना तो या सोच मिली छे मा गाबार रात, अब कहीं फूल बकरिया क्या अगर हाथ में लगता ये अच्छा जो आपने सुरक्षा के लिए जो यहाँ खड़ा छे या जो भी वॉलेंटियर्स वगैरह छे वहां कहते हैं भी बात को ज्ञान को है ना कहीं शोर गुलजो हो रहे छे, यो 1.5 लाख को कवि सम्मेलन छे, अरे 5-5 रुपया का मनक छे यह बात को है। लेकिन मु यार अर्ज कर रहे हो अगर कोई अधिकारी गण मारी बात न सुन लिया सामल रहा और जाग रहा हो तो ये अब तो यहाँ तो कहो कि जी दादा भूमबाड़ा मत करो, सारी रात हो गए बेजोखा ना क्यों, और बहुत अच्छा अच्छा रचनाकार आज अपना मंच पर विराजमान छे, मुँ आप सबका श्री चरणा में प्रणाम करो छू। देखो कोटा को दसवारो, जीप भारत आगे सारो, और पावन चामल खींचे तीर, और जीम बह तो ठंडो नीर, देखो बिजली को उजियाड़ो मटकी, रात अंधेरी काड़ो, और ये तो हरक रहा नर नारी, सर्कस देख रहा छे भारी, ये तो हरक रहा नर नारी और सर्कस देख रहा छे भारी, और या छे राजस्थानी रात, या छे राजस्थानी रात, एक ही काई कहनी बात, इमा मारवाड़ मेवाड़ी बागड़ हाड़ोती ढूंढाड़ी मारी हाड़ोती हाड़ोती, अरे इमा कवि पधारे 30, इमा कवि पधारे 30, और जेमा को पूरो बसवा 20, इमा कवि पधारे 30, जेमा को पूरो बसवा 20, और निगम का बोर्ड पार्षद, निगम का बोर्ड पार्षद 60, जीत्या पाचे बन गया लाठ। और देखो साहब ये कुण कुण यहाँ पधारिया से, तब माँ का प्यारा दुर्गा दान, माँ का प्यारा दुर्गा दान, हाड़ोती गीता की शान, विश्वामित्र मुकुट मणिराज, शास्त्री प्रेम किशन जी वर्मा, और मारी हाड़ोती का ताज, मुरलीधर गीता का फरमा, निडर जी विष्णु विश्वास, और गीत और व्यंग घनाचे पास, नाथ द्वारा सो ग्रीस विद्रोही, और फालना सो कविता किरण, जीत लियो जन सारो रण। वाह 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 वाह, फालना सो कविता किरण, और जीत लियो जन सारो रण, और प्रतापगढ़ सो प्रहलाद नवीन, ये चे हिंदी कविता का भीन, ये चे हिंदी कविता का भीन, और ये चे और मुंबई सो कुसुम जोशी, और लारैया की जगदीशी जोशी, आप जानो जो ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ थे। खैर ये घर की बात है, धनंजय वर्मा बीकानेर, गीत का धनी सुरीली टेर, और चंदा देश हो मंगवाई देश बंधु दादीश, बेकार से बातान कहते हैं रान रोमना ही मन, लेकिन मैंने ये लेके यू खाटे यू खा गए के ये यू लोग बात यू सोचे थे कि आंसू कविता भी करी जा सके, ये ठीक बात है। हाँ हमार ये बिरदलाजी मार साहब यानी कविता बोली कह जी माली रुखाड़ी कर रहे, अब माली कोई कमजोर जगह माली तो महादेव जी ने जीतिया, महादेव जी ने ठीक है जी मैं ऊपर की फसल लेंगे तो उन्होंने मूंगफड़िया बाजी कर लियो बरंडे बरंडे दे दिया ले जाओ उपहार रखे। अच्छा तो यह बात को है ना, अच्छा ये मान साहब बिरदीलाल जी गोरस सफली, अभी आजकल गोरस प्रचंड है और उसे ये ईमानदारी से तो नाई छे अच्छा ईमानदारी। अरे एक बात बताऊं आप कहते हैं कि मन हुआ बात आप कहते हैं 5 साल भी सुनाई जी, लेकिन इसको रावण आपने देखियो को रावण बहुत जबरदस्त आपने रावण अशो बने जे जैसे इंडिया में कहीं शायद ही बनता हो भगवान जान खान का बनता होगा मान तो ना देखो देखो तो मानो तो इन्हें इंडिया को फेम ही नहीं माना जमा। और कुंभकर्ण मेघनाथ भी भारी से तो कुंभकर्ण की दाढ़ी बना रही एक बार नाई नसनी लगा जी उन्हें सांस खांचो ने जो को पास नो चल गयो भीतर और नाई झाके जो कुंभकर्ण बोले रखे जे नाई देख कहीं रहे हो जे दाढ़ी बना जो उन्हें ठीक है जे अंदाता कहे जे आपने सांस खांचो ने जो मारो पास नो भीतर चल लीजो जो उन्हें ठीक है जे लम्बू मुंडो फाड़ दियो तू भी चल जा भीतर जो उन्हें मुंडो फाड़ दियो नाई भीतर चल गयो जो उन्हें हेरता हेरता पास नो तो मिलियो कोई ना एक रबारी मिलियो जय राम
કે જજના મારા કે આપ કે જે ભૈયા મોહનદાતા કો નાય છું અરે અહીંયા કી દાઢી બનારે છો કે છે જેવો મારો ફાંચણો બીતર આગો જેવો રવારી બોલ્યો કે છે બેકાર છે ભાયા છે મહિના સુધી તમારો ઊંઠ કમર્યો છે અચ્છા ભાઈ વાહ 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 હું આપ કે નહીં મારા જીવન કી મને બહુ સારી કવિતા લિખી લેકિન બહુ સારી કવિતા હસી હોય જ્યાં માર દે બડી પ્રસિદ્ધિ દિલાઈ એક વાત તો યા છે સાહેબ કે આપણા દેવતા ને આપણી પૂજવાઓ છે આપણી બગાડા છે દશેરા કા મેળા ને આપ ઈ જમાવો છો અને આપ ઈ ઉખાડો છો ભાઈ મુકુટમણિરાજ ને ખીચી જનતા છો આપ તો મને એક વાત લિખી છે જનતા કે લીએ મને કે જનતા રાજા છે છાવજી ને સુણે અર છાવજી ને ઉખાડ દે અર જનતા કે જમ જાઓ તો દો મિનિટ માં સંચાલક કી રેડ માર દે કવિ સંમેલન ઓછાઓ સાંસ્કૃતિક પ્રોગ્રામ જનતા ઈ મૂળ બીજ છે ઈ વાસ્તે આપણ સબને માનની પડેગી કે જનતા તો કોઈ ચીજ છે વાહ વાહ હવે તો શંકર પુરામ અરે મને યાદ છે ત્યાં ચાર પાંચ જણાએ જો જતા કરેગા ને તો ભગવા દઉં બાર ये चार पांच जना है साहब जेने बिरदी लाल जी गोरस लाया था ये लोग सब समझ रहे जो कहे छह कविता सुनाओ कहे सुमन जी भाई भाई लगे क्या भाई ताका भाई लगे सब हां बस सुन यार छन जान मनो बटे तो समझदार जब ऊपर को बोले छे जब नीचे को छानो रे ता समझो कोई ने बात तुम बता रहे जो साहब आप कदे मारा एक मित्र छे जको नाम छे जगदीश सोलंकी एक बार वहां का गांव में ले गया के ब्याह में तो वहां जोत मंडरी से जो मांगते हैं लेके आ चलो चलो देखे वहां कहे समय की बात से भगत की बात से मैंने के लिए पधारो जो वहां चल गया जो वहां एक जना के फाबू जी की गोड़ी आओ जी जो वहां फाबू जी की गोड़ी ने एक बाहर छो जो को इलाज करो छो जो तीसरी पुनियो के दिन बुलवाए जी जो उन्हें की भाई कहे देखो मां कहे एक दाई कहे अब कांकड़ डुकवार लाऊंगा कहे जो वहां फाबू जी की गोड़ी बाहर ने लेर गई ने जो आ दें पाची नहीं तो ये तो देवता की बात है लेकिन मैं एक निवेदन करूं जो आप सुन के आपना ये हाड़ो की में आशा आशा देवता छे मुकुटमणिराज हां भाई जे डील मनाव ये लाल भाई नन भाई फूल भाई तो गणी कोकड़े पाड़े छे पण आपने देखियो के कान का बालाजी कोई कहता नाव बालाजी डील में अन्न घास भरो आओ डील में न तो डील ही फाड़ जाए तो या जो कविता मैं आपकी सेवा में निवेदन कर रही हूं ये हमारे श्रेष्ठ कविता जी तारक भाई दुर्गाधान सिंह जी को यो इम छंद को नाम दियो ने बोले यार सुमन इम रबड़ छंद जगे आज दिन तय नया छंद को निर्माण न हो साहब देखो ये कविता में जो छंद जे यो रबड़ छंद जे और रबड़ वा चीचे जी ना जितनो खाच जितनो बदर ज्यादा खाच जे तो टूट जे देखो आप का हाय हाय माच की जर पानी न बरसो के घास भर फेरेगा उगाई करवाई तो ढोल के डांको ले पूजा की थाली और सारा ही देवी देवता का कामिया लगवाई आडोटी का शब्द देख जो आप हाय हाय माचगी जब पानी न बरसो के घास भर फेरेगा उगाई करवाई तो ढोल के डांको ले पूजा की थाली और सारा ही देवी देवता का कामिया लगवाई तो नीमड़ा कटवाया और घेसुड़ा छटवाया और धूपड़ा करवाया जयकारा बोलिया पटेला का बल फली प्रथम जपिया जब बरू जी लंकावाड़ी छाचा जदोलिया अब यूं चाल रहे थे घास भरू जी तो भूचा जी माड़ी की बाड़िया खड़ी भूचा जी माड़ी की बाड़िया खड़ी तो आगे पीवत्या में गणो पर आयो सबका ये बैल टड़ोटिया में जुप गया पर देव जी थानी वाड़ मोड़ो लायो और साया को बाग आयो खुरंजा पर छिड़ता ही और खुरंजो खड़ता ही बल पोड़े का जप गया जोर सो जयकारा बोलिया पर गोरू जी न सर क्या तो लोगों ने सोची के धरती में गप गया लोगों ने सोची के धरती में जप गया तो नाजी महाराज ने खाडो खुदवायो और बोरी में तो खाड़ दूध में नारियल गड़वायो और फिर भी जोर से जयकारा बोलिया जी चंपा जी दागड़ को कोट डलायो देखो आप गांव का परकम्मा दे और भोरू जी थानक पा जाओ छे तो भोरू को पूजन और नारियला की चटका भोरू को पूजन और नारियला की चटका और ढोड़े पर बैठिया बैठिया उतारे चा गुटका फली तो सावण जी दागड़ ने बांटी और फिर छीतर जी गुजर सु पटकम चा पटका भोरू को पूजन और नारियला की चटका और डोड़े में बैठे बैठे उतारा चा गुटका फली तो सावण जी दाखिल दे बाटी और फिर छीतर जी गुजर सु पटकम चा पटका तो चटका लुटा दी जी मुठिया की मुठिया कोया के पाने पड़ी सुखाई रह गया और कोया की जेबा में जेबा जी बरगी के फेरो बिन मली जूटे खे गया वो मोहन जी बड़ा भैया रमू जी का भाई अरे राजी डोले के पाती नाई
वो मोहन जी बड़ा भैया रमू जी का भाई हरीरा जी डोली के पाती नाई पर घोसने का नातू और हरने का चित्र न बचका का बचका मुठिया सुखाई और बांट बाड़ा खमी कमी रखेगा दीना जी पाए छे मोहन लड़काई बांटवाड़ा खामी कमी रखेगा दीना जी पाए छे मोहन लड़काई और भगोने तो दूसरा में बांटवा में दे दी डोली पे बैठ के भीड़ सलकाई तो भोरुनाथ लज्जा राखो करजो सहाई और धना भक्त ने कविता बनाई जन्म निवारण दुख सुधारण भरोजी नाथ ना की गाथा गाई भरोजी नाथ।